और जैसे कि आप सब जानते हैं, यह है सुहाना की स्कूल। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। फॉर लेडीज और जेंटलमैन, जैसे कि आप सब जानते हैं, लेडीज का स्विमिंग कंपटीशन हो गया है। अब बारी है जेंट्स की। तो जितने भी पापा ने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, वो सभी अपने कॉस्ट्यूम बदलकर आ जाए, और जो भी स्विमिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आएगा उसे चमचमाती हुई टू व्हीलर दी जाएगी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये कितनी शानदार टू व्हीलर है। तो जिस किसी को भी ये हासिल करना है तो उसे स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आना होगा। सो प्लीज जेंट्स, रेडी फॉर द स्विमिंग कंपटीशन। स्विमिंग करना तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। मैं ऐसे स्विमिंग करता हूँ जैसे कोई चीता भाग रहा हो। चलो अब जल्दी से मैं अपना कॉस्ट्यूम बदल देता हूँ, ये तो कितना आसान है मेरे लिए। अरे सीता, मैं भी जाऊँ क्या? मेरा बहुत दिल कह रहा है स्विमिंग करने के लिए। तो आप जरूर जाइए, मैं आपको चेयर्स करूंगी, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिए। तो देखिए तो सही, वो बाइक कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको मिल गई तो आप बाइक चलाएंगे और मैं आपके पीछे बैठूंगी। अरे ठीक है सीता, अब तुमने मुझसे कह दिया ना, अब मैं भी कंपटीशन में भाग लूंगा और फर्स्ट नंबर पर आकर बताऊंगा। मैं भले से मोटा हूँ लेकिन मुझे स्विमिंग करना बहुत अच्छे से आती है। अब सीता तुम देखती जाओ मेरा धूबी पछाड़ वाला परफॉर्मेंस। अली पापा, ऑल द बेस्ट फॉर स्विमिंग कंपटीशन। थैंक यू सुहाना बेटे। अली पापा, पूरी कोशिश करना, देखना आप ही फर्स्ट आओगे। हाँ बेटे सोफिया, मैं कोशिश करूंगा। अरे अब देखो तो सही, सुहाना कितना ज्यादा इतला रही है। अरे पापा, आप वहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? आप भी जाइए ना। आप कब जाएंगी? जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ये पिंकी कभी नहीं सुधरेंगी। देखो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, और देखो उसकी मम्मा कितने अच्छे से बैठी हुई है, कभी अपने बच्चे को कुछ सिखाती नहीं है। अरे हाँ पिंकी बेटा, जा रहा हूँ। अरे आप भी जाइए ना, आप सबने चाय पी ली है, आप कब तक चाय बेचोगे? चलिए जाइए ना, आप भी स्विमिंग कंपटीशन में भाग लीजिए ना। अरे भाई नूली मुली की माँ, मुझे शर्म आ रही है। अली पापा जाइए ना, जाइए ना पापा, अली पापा जाइए ना। अरे चलो भाई, अब तो बीवी के साथ बच्चे भी सपोर्ट करने लग गए हैं, अब तो स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा। अरे अरे चाय तो इधर रख कर जाइए, ये चाय के साथ में स्विमिंग कंपटीशन करेंगे। ये मैं क्या कर रहा हूँ, चलो जल्दी से यहाँ पर चाय रख देता हूँ, हो सकता है मैं ही फर्स्ट आ जाऊँ। अरे चमेली दीदी, देखिए ना, ऐसे गरीब लोग भी कंपटीशन में हिस्सा लेने लग गए हैं। अरे प्रीति जी कैसी बातें कर रही है। मैं इतना सोचती हूँ कि पिंकी किसकी वजह से बिगड़ी है, तुम ही हो पिंकी को बिगाड़ने वाली। जब माँ ऐसी बातें कर रही है तो बेटी नहीं करेंगी। तुम भूलो मत, तुम्हारी बहन चमेली भी गरीबी है, हमें गरीबी का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी बहन जी, वो तो मैंने आपको बस ऐसे ही कह दिया। सॉरी बहन जी, आपको तकलीफ हुई होगी तो। अरे सीता राधा, अब ना जाने कौन फर्स्ट आएगा। अरे हाँ दीदी, कंपटीशन तो बहुत तगड़ा हो गया है, और आपको मालूम है राम जी भी गए हैं स्विमिंग कंपटीशन में। अरे सच में सीता, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सभी जेंट्स अपने अपने कॉस्ट्यूम बदल देते हैं। अरे चलो भाई, अब देखो मैं कैसी स्विमिंग करता हूँ। अरे मैं भी स्विमिंग में कुछ कम नहीं हूँ। अरे चलो चलो, हम भी जाते हैं, कोई कॉम्पिटिशन शुरू ना हो जाए। तो जेंटलमैन, आप सभी रेडी है? जी मैडम, हम सभी रेडी है। रेडी सेडी। अरे मैडम, अरे मैडम रुक जाइए। अरे मैडम, मैं भी हूँ, मैंने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। सॉरी सॉरी, मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? सही हो गया, राम जी ने कैसे कॉस्ट्यूम पहन कर आए हैं। अरे ये क्या, राम जी ने कैसे कपड़े पहन कर आ गए हैं? अरे जेंटलमैन, क्या आप मुझे ये बताएंगे क्या आपने ऐसे लेडीज कॉस्ट्यूम क्यों पहन कर आए हैं? अरे हाँ भाई, हमें भी रीजन पता होना चाहिए, आखिर हम प्रिंसिपल है इस स्कूल के। अरे मैडम सर, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन मेरा कॉस्ट्यूम कहीं पर भी नहीं दिखा। मुझे ये लेडीज कॉस्ट्यूम दिखा तो मैंने ये पहन लिया। मेरी जिंदगी में ये मायने नहीं रखता है कि मैंने क्या पहना है और क्या किया है, अभी तो कॉम्पिटिशन है ना, मैं कॉम्पिटिशन नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे वो चमचमाती हुई बाइक चाहिए। अब मुझे जल्दी जल्दी में लेडीज कॉस्ट्यूम मिल गए तो मैंने पहन लिए, इसमें बुरा क्या है भाई? अरे वाह, आज राम जी ने कितनी अच्छी बात कही है, मेरा तो गर्व से सर ऊंचा हो गया। और यहाँ पर सब स्विमिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जेंटलमैन, रेडी स्टडी गो। अरे वो कंपटीशन तगड़ा होते जा रहा है, सब एक दूसरे के आगे पीछे ही है, अब ना जाने कौन फर्स्ट आएगा। अरे भाई, ऐसे तैरने में बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, चलो मैं पलट जाता हूँ। अरे ये क्या, मैं दूसरे की लाइन में आ गया हूँ, चलो भाई अपनी जगह पर जाता हूँ। हाँ हाँ, अब अच्छा लग रहा है,
ऐसे ही तैरूंगा मैं। अरे ये क्या, सब मुझसे आगे भाग रहे हैं। चलो जल्दी से मैं भी तैरता हूँ। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, अरे वाह राहुल जी, कितने अच्छे से तैर रहे हैं। अरे हम देख सकते हैं राहुल जी से आगे अजय जी निकल रहे हैं। अभी सबसे आगे अजय जी है। अरे हम देख सकते हैं अजय जी से आगे पिंकी के पापा निकल चुके हैं। और ये क्या, पिंकी के पापा से तो आगे राम जी जा रहे हैं। अरे असंभव, ये क्या, हम ये क्या देख रहे हैं, सबसे आगे तो सुहाना के पापा जा रहे हैं। ओह माय गॉड, तो फर्स्ट आए हैं राहुल जी और सेकंड नंबर पर आए हैं अजय जी। अरे भाई जल्दी जल्दी तैरता हूँ, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। थर्ड नंबर पे तो आता हूँ। और थर्ड नंबर पर आए हैं राम जी। विजय सो, विजय सो, पहली बार मैं थर्ड नंबर पर आया हूँ अपनी जिंदगी में। यूँ तो स्कूल में भी मैं सबसे लास्ट में आता था, लेकिन आज मैं सुहाना के स्कूल में थर्ड नंबर पर आया हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अचीवमेंट। अरे की कलमुहा थर्ड नंबर पे आया है और होशियारी तो ऐसे मार रहा है जैसे कि फर्स्ट ही आ गया हो। ये कलमुहा भी कभी सुधरेगा नहीं। I am a rider, you fine, you my shikshik, I am on a sign. अरे वाह, मैं फर्स्ट नंबर पे आया हूँ। I am a rider, you. अरे ये क्या, यहाँ पर ऑलरेडी सभी बैठे हुए हैं। अरे नहीं, बहुत गजब बेइज्जती। और फोर्थ नंबर पर पिंकी के पापा आए हैं। अरे ये पापा भी ना, ना मम्मा फर्स्ट आई और ना पापा, और हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि पिंकी फर्स्ट आ, फर्स्ट आ, पहले खुद तो फर्स्ट आ जाओ फिर मुझे कहना। और देखो तो सही, पापा अपने आप को लाइडल कहने लग गए। आई एम अ लाइडल, गो फाइन, आई एम अ शिक्षक, आई एम अ शाइन। और सबसे लास्ट में आए हैं नूली मुली के पापा। अरे सॉरी नूली मुली की मम्मा, मैं फर्स्ट नहीं आया। अरे नूली मुली की पापा, कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की ना। आप लोगों की तरह राइडर तो नहीं लेकिन एक अच्छे हस्बैंड जरूर है। ठो कोल्लू सर, आपने अच्छे से देखा ना फुटेज, अनाउंसमेंट कर दू क्या? अरे हाँ स्वीटी मैडम, अनाउंसमेंट कर दीजिए, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। तो फर्स्ट नंबर पे आए हैं अजय जी, जो आप आइए और अपना प्राइस लेकर जाइए। अरे ये क्या, राहुल जी तो फर्स्ट आए ना, कर रहे हैं। अरे अरे क्या हो गया है, अरे अरे क्या बात है। अरे ये क्या, मेरे पापा आए ना फर्स्ट, ये मैडम कैसी बातें कर रही है। अरे राहुल जी, मुझे ऐसा लगता है मैं ही फर्स्ट आया हूँ। चलो भाई मैं तो अपना प्राइज लेने जा रहा हूँ। अरे स्वीटी मैडम, आपने नेम लेने में गलती कर दी है, अजय जी नहीं राहुल जी, राहुल जी। अरे सॉरी नैंसी मैडम, वो मैं सोच रही थी अगर जैमी सर भी कंपटीशन में रहते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए कंपटीशन में नहीं आए। जैमी सर क्यों कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, वो तो टीचर है ना। अरे सॉरी सॉरी नैंसी मैडम, फिर से गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी लेडीज और जेंटलमैन, नेम लेने में थोड़ी सी गलती हो गई है, अजय जी नहीं राहुल जी, राहुल जी फर्स्ट आए हैं। अरे भाई ये क्या, बहुत बड़ी बेइज्जती। चलो वापस अपनी जगहों पर, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं मैं ही फर्स्ट आया हूँ। चलो मैं जब तक अपना प्राइज लेकर आता हूँ। तो राहुल जी चलिए आपकी चमचमाती हुई गाड़ी। थैंक यू सो मच मैडम। अरे वाह भाई, ये गाड़ी कितनी बढ़िया है, जब पायल जी पीछे बैठेंगी और मैं गाड़ी चलाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। मैं गाड़ी ऐसे भगाऊंगा कि अब पूरे गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। अरे भाई पुतले, अब तू यहाँ से हट जा, अब मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ। अरे वाह सही में कितनी अच्छी गाड़ी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। चलो भाई थोड़ा आगे पीछे करके देखता हूँ। अरे वाह मेरी गाड़ी सही में कितनी बढ़िया लग रही है। अरे सुहाना बेटे, तुम क्या बस अपनी मम्मा की ही फोटो लेती हो, चलो आ जाओ भाई अपने पापा की भी फोटो लो। अरे हाँ पापा, आ रही हूँ। देखो अब मैं आपकी इतनी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर लूंगी कि आप खुद देखते ही रह जाओगे। अरे उससे पहले सभी लेडीज और जेंटलमैन, एक जरूरी अनाउंसमेंट में ध्यान दें, कल बच्चों की ट्रिप जा रही है, आप सभी को बड़े बस स्टैंड पर मिलना है सुबह 8 बजे। अगर बस मिस हो गई तो आपकी ही बच्ची की पिकनिक रह जाएंगी, इसीलिए सब जिम्मेदारी से 8 बजे से पहले ही पहुंच जाना। ओके लेडीज और जेंटलमैन, प्रोग्राम यहाँ पर ही खत्म होता है, सब अपने अपने घर पर जा सकते हैं। अरे चलो भाई सुहाना, जल्दी से मेरी फोटो क्लिक कर दो, फिर तुम्हें कल पिकनिक की तैयारी भी करनी है ना। अब देखिए मैं आपकी कितनी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करती हूँ। अरे लाम अंकल, आप भी खड़े हो जाएगी ना, मैं आपकी भी फोटो लेती हूँ। अरे हाँ सुहाना बेटे। अरे राहुल जी, आप मुझे भी गाड़ी चलाने देंगे ना। अली भले अंकल, आप ऐसी क्यों खड़े हैं, मैं आपकी भी फोटो क्लिक कर देती हूँ। अरे हाँ सुहाना बेटे, तुम कितनी अच्छी हो, चलो अच्छा हुआ मुझे गाड़ी के साथ फोटो खींचने का मौका मिल रहा है। अली आप तीनों भी गाड़ी के सामने खड़े हो गए,
तो गाली कैसी दिखेंगी? आप थोड़ा सी छलिके ना बाजू में, फिर अच्छी फोटो आएंगी पापा। दोस्तों आ रहा है ना कहानी मजा, तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।